एक तरफ एलएसी पर चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है तो दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन टू फ्रंट वॉर के जरिए भारत तैयार है। एयरफोर्स रिहर्सल से पहले भारतीय वायुसेना के चीफ ने दुश्मन देश को कड़ी चेतावनी दी। क्या कुछ कहा हम आपको सुनवाते हैं। कोल्यूजन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना एंड interaction between the officials, I suppose this takes place globally between two partner nations. So there is nothing to fear about there. Only issue which concerns us is the dissemination of or information of Western tactics and Western technology which passes hands from Pakistan to China. With respect to a two-front threat, I would say that the threat is always remains in focus for us. And our capability building is dependent on what the threat. So be rest assured that we are capable of, or we are prepared in terms of training, in terms of equipment to handle a two-front contingency. तो यहां पर आपने चेतावनी जो थी वो साफ लफ्जों में सुनी और ये बहुत बड़ा संदेश था पाकिस्तान और चीन को लेकर। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, यूके देवनाथ जी। आप ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, रिटायर्ड है। इसके अलावा हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। दो दिन बाद 8 तारीख को भारतीय वायुसेना के 89 साल हो जाएंगे, 89 ईयर्स। इसमें जब हम देखते हैं आज मौजूदगी में 71 की जंग में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, आज उसी की बात कर ली जाए वहां पर राफेल की मौजूदगी चीन को कड़ा संदेश देती है, तो ये 89 ईयर्स की जर्नी होने वाली है। इसमें आज ये शक्ति प्रदर्शन कैसे आप देखते हैं भारतीय वायुसेना की ताकत को, जब जिक्र हो रहा है कि दो फ्रंट पर लड़ाई चल रही है? आपके सवाल का थोड़ा लंबा जवाब देता हूं और मैं अपने सर्विस के जो 89 इयर्स की जर्नी में 31 साल की जर्नी मेरी भी रही है वायुसेना के साथ, उसको भी जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो देश के साथ साथ वायुसेना ने भी बहुत लंबी छलांगें मारी हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था, MiG-21 एक फ्रंटलाइन फाइटर हुआ करता था, Mirage 2000 आया ही था और MiG-29 भी अपना परचम लहरा रहा था, जस्ट 2 साल पुराना था। वहां से आज के एयरफोर्स को आप देखेंगे तो एक अंग्रेजी में कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स ट्रैवल कर चुका है और इसका श्रेय जाता है अनेक गवर्नमेंट्स जो उस समय से आई हैं, वो लोगों ने उनका जो प्रेशर और उनका जो फोकस रहा है वायुसेना को आधुनिक बनाने में। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकली है पिछले कुछ सालों में, जो आपने जिसके बारे में जिक्र किया, वो है टू फ्रंट वॉर और चाइना का सर उठाना। मुझे याद है जब हमने फ्लाइंग शुरू की थी उस समय चाइनीज एयरफोर्स की कोई वजूद नहीं थी, क्योंकि उनने MiG-19 जैसे जहाज उनके पास थे और कोई आधुनिक जहाज नहीं था और उनके जो आर्मी सेंट्रिक एक अप्रोच है पीएलए का, वो एक चरम सीमा पे था। उनका भी एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ गल्फ वॉर के लड़ाई में। आपको याद होगा नॉर्मन शॉस्कॉफ ने कहा था 100 आवर्स में पूरे गल्फ वॉर में पूरे इराक को उन्होंने वायुसेना ने निस्तनाबूद कर दिया था। दैट इज द टाइम। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।